बहुत इम्पोर्टेंट पूजा करने जा रहे हैं राम जन्मभूमि परिसर में कंवर टीला के पास शिव जी की आराधना करेंगे। महाराज जी, राम मंदिर निर्माण से लेकर के इसको जोड़ा जा रहा है, क्या इस कैसी पूजा होगी ये? अरे भाई, हम रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे, कुबेर टीला पर गए, भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। दिन निश्चित हुआ तो आज अभिषेक के लिए सारी तैयारी भगवान शशांक शेखर शिव का, आज हम लोग अभिषेक करेंगे। महाराज जी, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं अभिषेक? अब मैं जा रहा हूँ और कौन जा रहा है ये मैं नहीं बता पाऊँगा कौन कौन रहेगा। महाराज, इसमें कोई ट्रस्टी भी इसमें शामिल हो रहे हैं? होंगे जरूर, वहाँ रहते हैं, एक आध तो रहते ही। महाराज जी, माना जाए कि आज से भगवान से पूजा करने के बाद ये मानेंगे कि मंदिर के विघ्न बाधाएं खत्म हो और मंदिर निर्माण शुरू हो? वहाँ तो रोजाना आचार्यों के द्वारा पूजा पाठ बराबर चल रहा है, यज्ञ भी रोजाना होता है विघ्न निवारण के लिए, और भगवान शिव जी का अभिषेक होगा। इच्छित फल बिन शिव वराधे लहिय न कोट जोग जप साधे। करोड़ों जोग यज्ञ जप तप किया जाए, लेकिन जब तक भगवान शिव जी की आराधना नहीं की जाती है तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है। पीएम से कब मिलेंगे? प्रधानमंत्री से कब मिलेंगे? अभी समय निश्चित नहीं है, जल्दी जल्दी राम जी के मंदिर जल्दी से आएगी। महाराज जी, इस समय कोरोना संक्रमण काल है और राम मंदिर निर्माण बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल की वजह से शुरू नहीं हो पाया, तो क्या इसकी भी आराधना की जाएगी कि भगवान शिव की आराधना से कोरोना संक्रमण इसके इसके लिए तो हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, हमारे जहाँ भी अयोध्या ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मठ मंदिर हैं, हमारे साधु संत हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है, कोई महामारी कोई बीमारी नहीं आया है, कोई प्रमाण नहीं है। रुद्राभिषेक से सारी विघ्न बाधा दूर होती है। कितने घंटे चलेगा महाराज जी? 2-2.5 घंटा चलेगा। क्या महाराज जी, अब लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी जैसे माहौल ठीक हो सही हो जाए तो प्रधानमंत्री जी आए, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो, भूमि पूजन? प्रधानमंत्री जी बेचारे भीड़ भाड़ से थोड़ा कट रहे हैं, नहीं अब तक तो शिलान्यास कर चुके होते हैं।